जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे सवाल जो सीटेट में पूछे जाते हैं आपके फूड से रिलेटेड। अक्सर एक रिपीटेड सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ईवीएस की बात करें, अगर हम सीटेट में अगर ईवीएस की बात करें तो एक सवाल इससे संबंधित आपको मिल जाएगा। जैसे कभी नारियल से मिल जाएगा आपको, कभी छोले भटूरे, कभी राजमा चावल। तो इस तरीके कुछ स्पेसिफिक राज्य हैं जहाँ की कुछ प्रसिद्ध भोजन है जिससे हर साल सीटेट में एक ना एक सवाल आपको मिल जाएगा। तो कुछ सवालों को हम यहाँ पे लेके आए हैं और आपको मजा आएगा, समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे इस सवाल को देखिए, इस सवाल में कह रहा है, कैसे सवाल पूछा जाता है इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़का है, जैसे कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहां पे अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है? तो सरसों की तेल में बनी मछली, ठीक है, ये कौन से शहर का है आपको बताना है। इसी तरह अगर आप एक सवाल देखेंगे कि बोरा जो है चिपचिपे चावल एक चावल की किस्म है, तो यह किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले इसको डिटेल से एक बार समझ लेते हैं, एक बार थियरी तरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। ऐसे ही जितने भी सवाल पूछे गए वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कब पूछा गया है। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लीजिए कि छोले भटूरे, अगर आपको छोले भटूरे आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, आई थिंक खाए जमाना हो गया। तो हाँ, छोले भटूरे की अगर जब बात की जाए तो पंजाब में, देखिए पंजाब के लोग घी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, सरसों की साग, मक्के की रोटी, छोले भटूरे, लस्सी। तो जब भी जरा घी से रिलेटेड सवाल आए तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि छोले पंजाब की बात की जा रही है। वही दूसरा दोस्तों एक सवाल रिपीटेड आपसे पूछा जाता है कि नारियल डली करी मतलब और टैपियोका। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, टैपियोका और नारियल। ये कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन से शहर में या कौन से राज्य के लोग अपने घरों में नारियल या टैपियोका लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये कहाँ का होगा? केरल का। ये कहाँ का है प्रसिद्ध है? भाई केरल के लिए फेमस है। वही दूसरा दोस्तों, सरसों की तेल में पकी मछली, याद रखिएगा सरसों की तेल में पकी मछली। सरसों की तेल की जब बात की जाए तो कश्मीर समझिएगा, कश्मीर पे टिक करिएगा। सरसों की तेल में पकी मछली मतलब कश्मीर, और नारियल की तेल में पकी मछली मतलब गोवा। समझ में आई बात? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसी तरीके से सवाल आपको पूछेगा। एक और छोटी सी थियरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आपने इस चीज को यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। और असम के लोग चावल बड़ा खाते हैं। ये चावल किस किस्म है जिसे हम बोरा कहते हैं? एक चिपचिपा चावल की किस्म है जिसे असम के लोग खाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? असम में आएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है? पंजाब राज्य। अब इसमें मैंने एक शॉर्ट में आपको दिखा दिया, जैसे पंजाब राज्य की प्रसिद्ध खाने की बात करें तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, इसके अलावा यहाँ पे छोले भटूरे, राजमा चावल, पराठे, लस्सी। वाह, मुंह में पानी आ गया। ये सारी चीजें कहाँ से बिलोंग करती है? पंजाब से। कहाँ से दोस्तों? पंजाब से। ओके, तो पंजाब की जब बात की जाए तो ज्यादातर आपसे पंजाब में छोले भटूरे या राजमा चावल जहां तक अभी तक मैंने देखा तो इसी सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, गुजरात की जब हम बात कर रहे थे, गुजरात में ढोकला और थोपला पसंद है, लेकिन इसके अलावा इडली और डोसा भी खाया जाता है। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, जी हाँ, तेलंगाना की याद रखिएगा, तेलंगाना में इडली डोसा खाया जाता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फेमस दाल रोटी, ठीक है, जिसमें एक प्रसिद्ध रोटी है जिसे मंडवे की रोटी कहते हैं, तथा गहत दाल, फजू, बाड़ी, कफली आदि। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, मालपुआ चावल को कूट कूट कर बनाया जाता है मिलाकर, फरा और मुथैया बरा, ये दो तीन प्रसिद्ध फेमस है। फरा यूपी में भी खाया जाता है मगर छत्तीसगढ़ को इसको प्रसिद्ध माना गया। तो अब यहाँ तक आपने देख लिया, अब आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि और आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसे मैं पहले सवाल आपका यहाँ पे था, पहला ही सवाल था क्या था दोस्तों, कि मैं उस राज्य से आता हूँ। कहाँ से भाई? मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ पे अधिकतर सरसों की तेल में पकी मछली, और मैंने बताया था सरसों की तेल, देखिए सरसों की तेल थोड़ा सा गर्म होता है। तो उस शहर का नाम होगा जहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज्यादा होगी, राजस्थान तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा भाई? सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पे खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी मछली गोवा में, केरल में, कश्मीर में या मिजोरम में। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कश्मीर। और ये आपके नोट्स में भी था, पहले ही पेज के नोट्स में था कि सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ पे दोस्तों? कश्मीर में, राइट, कोई डाउट नहीं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि बोरा चिपचिपे चावल का एक सामान्य किस्म है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है चावल की किस्म? मैंने बताया था कहाँ पाया जाता है, असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों थोड़ी सी मिलान करने वाली है। जैसे छोला भटूरा, छोले भटूरे को कहाँ पे नहीं मिलाएंगे? पहले को आप मिला देंगे पंजाब ई से, यानी कि पहले का ई, ठीक है।
दूसरा नारियल, दही, करी और टैपियोका। टैपियोका मतलब केरल, बी, दूसरे का बी, दूसरे का बी। और सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर का मतलब डी, नारियल के तेल में गोवा मतलब ए। तो ई बी डी ए यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से लगा लेंगे, एक सवाल मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है, तो ऐसा रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट में देख लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको खुद बताना है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाने। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये देखिए 6 जनवरी 2022 को सवाल पूछा गया था। मैंने जितने भी अभी आपको न्यूमेरिकल कराया ना, वो सीटेट में पूछा गया, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जैसे ये सवाल 6 जनवरी 2022 को पूछा गया है आपके सीटेट के पेपर वन में, ठीक है, 6 जनवरी जो शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ टैपियोका, मतलब कौन सा? मैंने भी बताया केरल, बिल्कुल नो डाउट इसका केरल ही होगा, केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पहले वाले इस शॉट का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको लास्ट में दे भी दूंगा। अब अगला सवाल जो दोस्तों 12 जनवरी 2022 को पूछा गया था, ठीक है, पूछा क्या गया था कि एलेक्स केरल में रहता है, वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है। क्या उगाएगा, वही फिर से नारियल और टैपियोका, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल का मतलब नारियल और टैपियोका, बहुत सही। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि समर एक प्रोजेक्ट के लिए, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन खाने से संबंधित है तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। समर एक प्रोजेक्ट के लिए खाद्य सामग्री को चुनता है जो पौधे से न लिया गया हो, मतलब ऐसे खाद्य सामग्री, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको आप खा सकते हैं और वो पौधे से नहीं लिया गया, ठीक है। शहद, कटहल, कटहल तो पौधे से लिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूध, अंडे और भुट्टा, भुट्टा मतलब भुट्टा भी पौधे से लिया जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सरसों, मछली एवं मांस, सरसों, सरसों भी पौधे से लिया जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा, दूध, शहद और अंडा, दूध, शहद और अंडा। अब आप कहोगे सर शहद भी तो मधुमक्खी पेड़ में लगाती है, नहीं नहीं घर में भी तो लगा सकती है, उनका पालन भी होता है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप जो डायरेक्ट आप पौधे से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा। और सवाल भी यही पूछ रहा था कि जो पौधे से न लिया गया हो, ठीक है, ऐसे रिविजन करते चलेंगे। और एक सवाल आपसे अक्सर ईवीएस में मैप से पूछता है, मानचित्र से पूछता है, उसको भी हम देख लेंगे। एक सवाल पूछता है कि मैप में 1 सेंटीमीटर = 110 मीटर तो 1000 किलोमीटर, ऐसे कुछ सवाल पूछता है, उसको भी देखेंगे वन बाई वन। बट फिलहाल इस वीडियो में खाने से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ पानी में घुलते हैं, पानी में कौन से घुल जाते हैं। दूध, देखिए दूध मिल जाता है मगर घुलता नहीं है, घुलने का मतलब कि उसमें मिल जाए, पूरा टोटल खत्म हो जाए, दिखे ना। दूध क्या होता है, मिल जाता है लेकिन घुलता नहीं है। चीनी, चीनी घुल जाती है। शहद, शहद मिल जाता है। तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, पेट्रोल तो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है, तारपीन भी ऊपर तैरने लगेगा, मिट्टी का तेल भी ऊपर तैरने लगेगा, कैरोसिन, नमक, साबुन, साबुन झाग बन जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं घूम पाता। अगला देखिए, चीनी बिल्कुल घुल जाता है, सिरका, नमक, ये बिल्कुल क्या होता है, घुल जाते हैं। तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था कि कौन सा घुलते हैं, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य से। देखिए फिर से खाने से आ गया, राजमा चावल छोले भटूरे कौन से राज्य से है दोस्तों, मैंने अभी बताया था, राजमा चावल और छोले भटूरे छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर उत्तराखंड या पंजाब। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब, ऑयली चीज, पंजाब मतलब घी वाली चीजें। अगर चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि मिलान करना है, गोवा का मतलब कौन सा, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, नारियल के तेल में समुद्री बनी समुद्री मछली, ठीक है, गोवा में नारियल का तेल, ठीक है, तो चौथा ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा। कश्मीर में सरसों का तेल कहीं है, सरसों का तेल, जी हाँ, पांचवा, चौथा और पांचवा कहीं डायरेक्ट है, तो बस यही जगह पे है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी और हम देख लेते हैं। केरल में क्या भाई, केरल में वही वो नारियल और टैपियोका, नारियल और टैपियोका मतलब केरल तीसरा। और हांगकांग, हांगकांग तो नहीं, हमने देखा था हांगकांग में क्या खाते हैं, कुछ भी खा जाते होंगे। डी में यहाँ पे दूसरा लग रहा है, पकाया, ओ तेरी, पकाया हुआ सांप, अरे यार इंसान कुछ भी खा जाता है, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खा जाते हैं, मतलब देखो हमें उससे नहीं पता था, मतलब हमें तीन देखा तो हमने ये वाला मैच करा गया, हांगकांग वाले खाने वाले कुछ भी खा जाते हैं, तो यहाँ पे ये वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। बाकी ये देखिए, ये सीटेट का सवाल 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया था, ये सीटेट में सवाल पूछे गए सवाल है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी भूख भूख लग गई हो, छोले भटूरे, राजमा चावल मंगाइए, खाइए। फिलहाल इस सवाल को देखिए, नीचे दिए कथन पे विचार कर लेते हैं, आइए विचार करते हैं। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, सही बात है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं था मगर सही बात है कि गुजरात के लोग अक्सर क्या करते हैं, दाल में शक्कर डालते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला तो सही लग रहा है, पहला वाला भाई सही लग रहा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पहला वाला सही लग रहा है। दूसरा दोस्तों, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी सही है,
ये भी सही है दोस्तों, पहला और दूसरा। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में नहीं, कश्मीर के लोग किस तेल में खाते हैं? सरसों। किसमें? सरसों, करेक्ट। गोवा के लोग सरसों नहीं, गोवा के लोग नारियल, ठीक है। तो गोवा के लोग नारियल में, राइट। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा आपके लिए, पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, राइट। चलिए, सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये है। अच्छा एक चीज़ आइए जरा फिगर से भी समझ लेते हैं। ये तो नारियल है, सबको पता है। ये हमारा दाल रोटी है, ठीक है। ये हमारा छोले भटूरे राजमा चावल, इसको हम टैपियोका कहते हैं। ये जो है ना गुजरात में, सॉरी केरल में टैपियोका इसी को कहते हैं, ये अक्सर लोग घरों में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल समाप्त हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोले भटूरे कहाँ पे लगते हैं, टैपियोका, सरसों का तेल, बोरा चिपचिपा चावल आसाम में और पंजाब में इसके। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है आपसे सीटेट में, जैसे कुछ मकानों के प्रकार दे देंगे, जैसे कि बांस के मकान बनते हैं, थोड़े ऊंचाई पे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? आसाम में बनते हैं। जैसे कि आपको दे देगा कि पत्थर की दीवारें बनती हैं, लकड़ी के चिपटे छत बनते हैं, कहाँ बनते हैं? लेह लद्दाख में। इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे सवाल पूछ देगा कि मिट्टी के दीवार बनते हैं, छत पे कटीले तारों के पौधे, कटीले पौधे लगाए जाते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो एक वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से शहर और उनके प्रसिद्ध वो मकानों के नाम को देख लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे वन बाय वन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि कुछ EVS में काम बन जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में अपनी राय दें। नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, आप वहाँ से हमें से जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जानाटॉक01 से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।